कबीर, ये तुम्हारे। थैंक यू दीदी। करण, काश तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी याद रहता कि ये गैरतमंद यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फर्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाते। करण, तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यू राइट काजल, हम एक फंड रेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फादर, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में तो है। गॉड ब्लेस यू माय सन। बिलीव्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्या आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उन बच्चों का सहारा ईश्वर अपने प्रिय लोगों को बनाता है। और इसी कॉज के लिए ईश्वर ने आप सबको चुना है। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, गॉड always helps them who help themselves. Thank you sir. Thank you. आज का शुभ दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। God bless you all. ये तुम्हारी एफर्ट्स का नतीजा है माय सन, कि आज हम बच्चों के लिए 3,25,000 रुपए इकट्ठा कर पाए। The credit goes to you. करण भैया, ये कोई बैग देकर गया है। अच्छा। Hi बेटा, how are you? My God, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं। लगता कोई गुप्त दान देकर गया है। कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्चों को इतने लाखों रुपए दान कर दे? इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फादर, where there's a will, there's a way. All yours. Father? कब हुआ ये? I think in the midnight, between 12:30 and 1. सुबह जब सिस्टर ट्रेज़ा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फादर जोसेफ को हैंग पाया। I think it's a case of suicide. पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एक्सक्यूज मी डीसीपी करण सिंह। यस। धनंजय कदम फ्रॉम सीबीआई। हमें फादर जोसेफ का एक सुसाइड नोट मिला जिसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप हमारे साथ चलिए। चलिए। डीसीपी करण सिंह पर अनाथालय के फंड का गबन करने, वहां के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सीबीआई को डीसीपी करण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है। करण, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं। आज तक मैं अनाथालय को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथालय के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा, मगर अब जो तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो उसे मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। फादर ऐसे लिख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट झूठा है और इस पर फादर के जो दस्तखत हैं क्या वो भी झूठे हैं? जब ये चिट्ठी झूठी है फिर फादर जोसेफ से आपका क्या रिश्ता था? इंसानियत का। हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे? वो कोई बिजनेस नहीं था। अनाथालय के लिए कोई 50 लाख का गुप्त दान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता नहीं था। गुप्त दान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो 25 लाख रुपया जमा हुआ, क्या ये भी गुप्त दान था? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये गुप्त दान है या कुछ और? मिस्टर करण, देखिए आप वहाँ गंदगी ढूंढ रहे हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? फादर जोसेफ ने अपने खत में कबूल किया है कि वो आपके साथ मिलकर अनाथालय के बच्चों के साथ ड्रग्स लेने और ले जाने का काम करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। ये ड्रग्स फादर जोसेफ के ऑफिस से बरामद हुए। मिस्टर करण, ये झूठ है। कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम्हारा कोई दुश्मन? पता नहीं। तो फिर वो कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं। हेलो, जरा डीसीपी साहब को फोन देना प्लीज। सॉरी मैडम, फोन अंदर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, जब वो बाहर आए तो उनसे कहना घर पे फोन। ओके ओके मैडम। अरे लाइट को क्या हो गया? भैया हमने तो कोई फोन नहीं किया। पूरे इलाके का लाइट गया हुआ है। मुझे आपका लाइट मीटर चेक करना है। आई प्लीज कम। लाइट का मीटर उधर है लेफ्ट में। जी। और मिनका उधर। काजल, काजल, ए काजल, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था घर में? लाइट चली गई थी, वो बीएसईएस वाला आया था, उसके बाद मालूम नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। करण, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, तुम्हारी कोई इंक्वायरी चल रही है? हाँ, इंक्वायरी चल रही है। किस बात की इंक्वायरी? अरे पता होता तो बताता ना। इंक्वायरी क्या पता मुझे किस बात की चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। का फैसला तो होता ही रहेगा। फिलहाल मुझे यह देखना है कि तेरे हाथों में अभी ताकत है या नहीं। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहां से जाने। तो हाथ से लड़ेगा या एक से? That's the spirit। मेरे सिकंदर को मार के और मुझे पकड़कर तूने बहुत शौहरत और नाम हासिल किया है। ACP से DCP तेरा करियर आसमान को छूता रहा और साय की तरह मैं हमेशा तेरे पीछे रहा। लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि तू मेरे सामने है। तो हार गया कावा। Come on, come on, come on boy, come on, come on। अब भी जान बहुत है, हाँ? Come on, come on, come on। अभी तो तेरी परेशानी शुरू हुई है। हेलो मामा, कल वो बिना बताए घर से चले गए थे। अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई खबर। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। नहीं, तुम बिल्कुल मत घबराओ काजल, मैं पता लगाती हूँ। शाजिया कमिश्नर अंकल, मैं काजल बोल रही हूँ। करण का 2 दिन से कुछ पता नहीं है, कोई मुझे बताता भी नहीं कि वो कहाँ है। प्लीज हेल्प मी अंकल, कहीं उन्हें कुछ। डोंट वरी बेटा, आई लुक इनटू द मैटर, ओके? मुझे मार के नहीं देता, मारते मुझे। तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तो जिंदा रहे। Good night. करण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। काजल बहुत परेशान है, आप कुछ कीजिए ना। घर जाना है ना, बीवी इंतजार कर रही होगी, ले थोड़ा पी के जा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई वो? जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिला सकता? उसने मुझे शराब पिलाई और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर मुझसे गाड़ी वो। डीसीपी करण सिंह, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है? वो मैंने नहीं किया, वो गावा फिरोजी ने, उसकी वजह से। सर बस एक बार सर, गावा फिरोजी मेरे हाथ में आ जाए ना सर। मैं गावा मर चुका है करण। नहीं सर, वो जिंदा है, तभी तो मैं। आप कोई मेरी बात, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं भी दिखाता हूँ कि वो जिंदा है। चलिए। ये फिटनेस सेंटर कब से चल रहा है? 20 years। आप कितने साल से हैं? 7 years। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। डीसीपी करण सिंह को ध्यान में रखकर हमारे संवाददाता ने कि गांव फिरोजी जिंदा और तो वहाँ घटना स्थल पर कुछ नहीं था। करण, सब ठीक हो जाएगा। करण, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। करण, करण मुझसे बात करो ना। करण प्लीज, मुझे इग्नोर मत करो। करण प्लीज बात करो मुझसे। करण प्लीज टॉक टू मी। करण, करण लिसन टू मी। कारण इतनी सारी जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए। आपका मानना है कि गावा फिरोजी जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। आप जैसा कानून का रखवाला ऐसी हरकत करेगा तो आम जनता का क्या होगा? डीसीपी करण, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? हर चीज के लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। सच्चाई सिर्फ एक है, गावा फिरोजी। अफसोस है कि सच्चाई तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है। गावा फिरोजी है सर, वही मुझसे बदला ले रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड करण, गावा फिरोजी मर चुका है और एक मुर्दा क्रिमिनल के लिए तुम्हारा इतना जुनून तुम्हारे खिलाफ सबूत बनता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक इस केस की कानूनी तौर पर पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम्हें नौकरी से मुअत्तल करने का हुक्म। यू आर सस्पेंडेड। अर्जुन सिंह सर, आज से इस केस के इंचार्ज आप हैं। और इसकी पूरी कार्रवाई का जिम्मा आपका है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद न थी। To help with your inquiry and to help with your sister. क्या बात है करण, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। I know, तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया ना? किसने बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया? तुम क्या समझते हो? तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे अंधेरे में रख के तुम्हें क्या मिलेगा करण? सब कुछ जानते हुए भी सवाल कर रही हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व करूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूँ, फिर भी तुम्हारी फिक्र करने का तो हक है ना मुझे। फिक्र करके क्या मिलेगा तुम्हें? फिक्र करती हूँ मैं। फिर तुम ही बताओ कि क्या करूँ मैं? अपनी आंखें बंद करके सब कुछ अनदेखा कर दूँ? उस दिन भी घर से ऐसे चले गए, पता नहीं किसका पीछा कर रहे थे। 3 दिन तुम घर से गायब रहे हो। दिल नहीं मानता है, फिर भी दिमाग 1000 सवाल पूछता है। तो अब सीबीआई के साथ साथ मुझे घर में भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, देना होगा। तुम मुझ पर शक करती हो? मुझ पर? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी झूठी बातों को सच मान लूं?